भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में सभी को चौंकाते हुए सीएम पद के लिए भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लगा दी। सीएम पद के लिए वसुंधरा राजे ने भजन लाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा था और इसी पर सभी विधायकों ने सहमति जता दी। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी उस चेहरे को ही आगे कर दिया जिसकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं थी। तो विधायक दल की बैठक सुबह से ही चर्चाओं का विषय रही और इस बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजनाथ सिंह के पास कॉल आया। फोन पर कुछ मिनट दोनों की बातचीत हुई और इसके बाद एक पर्ची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के हाथ में दे दी गई। इस पर्ची में राज्य के होने वाले सीएम का नाम था। वसुंधरा राजे ने मीडिया के सामने आकर भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही राज्य में दो डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान कर दिया गया। दिया कुमारी और प्रेम चंद्र बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया। वहीं वासुदेव देवनानी राजस्थान के स्पीकर बने। इसके साथ ही सीएम को लेकर चला आ रहा आखिरकार ये सस्पेंस खत्म हो ही गया। पहले छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश और आज राजस्थान। तो इस तरीके से भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम होंगे। आपको बता दें कि सांगानेर विधानसभा सीट से भजनलाल शर्मा विधायक हैं, जो कि पहली बार विधायक बने हैं। बीजेपी के प्रदेश महासचिव भी हैं। 56 साल के हैं, वो भरतपुर के रहने वाले हैं। बाहरी होने के आरोप के बावजूद सांगानेर से बड़े अंतर से जीत दर्ज की है उन्होंने। कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को भजनलाल ने 48,081 वोटों से हराया। उन्हें संघ और संगठन दोनों का करीबी माना जाता है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और इस पर सर्वसम्मति से उन्हें चुन लिया गया। भजनलाल शर्मा के समर्थकों में अब खुशी की लहर है। वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। शर्मा जयपुर की सांगानेर विधानसभा से पहली बार विधायक चुने गए। बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायक अशोक लोहाटी का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को दिया। इसके साथ ही अब राज्य में दो डिप्टी सीएम बनेंगे। दिया कुमारी और प्रेम चंद्र बैरवा को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। अब देखा जाए तो राजस्थान में सीएम, डिप्टी सीएम और स्पीकर के नाम के ऐलान के साथ ही राजस्थान में चुनावी नतीजों के बाद से जारी पॉलिटिकल सस्पेंस पूरी तरह से अब खत्म हो गया है, या यूं कहें उस पर विराम लग गया है। आप देखें, सबसे दिलचस्प बात ये रही कि भजनलाल शर्मा का नाम कहीं पर भी चर्चाओं में नहीं था। रेस में कई बड़े नामों की गिनती कल से ही हो रही थी, लेकिन जब बीजेपी ने भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया तो सभी चौंक गए। बीजेपी ने इससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी नए नामों के साथ सभी को चौंका डाला। ठीक उसी तरह से राजस्थान में भी हुआ है। माना जाता है कि भजनलाल शर्मा संघ और संगठन दोनों के बहुत करीबी हैं। राजस्थान में सामान्य वर्ग के मजबूत चेहरे के तौर पर उन्हें सीएम की रेस में माना जा रहा था। हालांकि कोई दावे के साथ नहीं कह पा रहा था कि उन्हें ही राजस्थान की कमान सौंपी जाएगी। शर्मा पर जयपुर में एक मामला फिलहाल लंबित है। ये मामला आईपीसी की धारा 353 और 149 के तहत दर्ज है। इस मामले में 4 दिसंबर 2015 को शर्मा पर आरोप तय किए गए थे। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम पर काफी चर्चाएं पहले से ही चल रही थी। माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के मोहन यादव की ही तरह बीजेपी किसी नए नाम का ऐलान मुख्यमंत्री के तौर पर कर सकती है। बीजेपी ने एक बार फिर भजनलाल शर्मा को चुनकर सभी को चौंका दिया है। जहां छत्तीसगढ़ में ट्राइबल समुदाय से आने वाले विष्णु देव साई को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया, तो वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय से आने वाले मोहन यादव को चुना गया है और इसी तरीके से राजस्थान में ब्राह्मण समुदाय से आने वाले भजनलाल शर्मा को चुना गया है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी 2024 के आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से तमाम समुदायों को टारगेट बनाकर चल रही है और इसी वजह से उन्होंने नए नामों का ऐलान कर सभी को चौंका दिया है और इस तरीके से अपना दांव भी चला दिया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जस हिंदी।